वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 ए पी लाइब्रेरी। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास प्लस टू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ग्राफिक प्रिंट ऑफ वॉल्स रिलेटेड टू मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट। द टाइटल ऑफ द ग्राफिक प्रिंट इज Off walls. Artist is Anupam Sood. Medium is lithograph. Lithograph painting है जो उसको एक stone पे उसका design बना के print है जो एक paper पे लिया जाता है that is called lithographic painting. Period is 1982 AD. Cottage All India Fine Art Craft Society, New Delhi. Let's discuss about the subject matter of this graphic print. This horizontal artwork is a journey of the artist down her memory lane of childhood. Childhood ki memory ek yahan pe isme represent ki hai. The subject is unconsciously lost in the mystery of time. With nothing in particular but a gliding image that found place in her creation. This is often interpreted as a representation of poverty and loneliness. However, for the artist it is more of a personal moment. तो इसमें loneliness और poverty को represent किया गया है. Now the description of this graphic print. This horizontal artwork is in a new technique of lithograph print. तो lithograph print में इसको print किया गया इस graphic print को. The artist Anupam Sood imagines in this etching an experience that she had when she returned to the house where she had spent her childhood. Childhood जहाँ पे इसने spend किया था वहाँ पे जब Anupam Sood जो artist है इस graphic print की वो वहाँ पे लौटती है वापस तो उस टाइम का एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया है. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द वॉल्स ऑफ द हवेली. तो हवेली के वॉल्स जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं. द स्पेशियस स्टोन हाउस वेयर शी ग्रू अप. और जो स्पेशियस स्टोन हाउस था जो जहाँ पे उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था जहाँ पे बड़ी हुई थी उसकी वॉल्स है जो बैकग्राउंड में दिखाई गई हैं. While many things have changed since that time, with her etching, Anupam converts the memories of that time into solid and real images. तो अपनी memories को यहाँ पे solid और real images में convert किया है Anupam Sood ने. For instance, the wall drawings that she had made as a little girl reappear. They are all single line drawings with plain triangles, circles and rectangles. तो जो वॉल पे ड्राइंग्स जो यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं आपको स्क्रीन पे इस ग्राफिक प्रिंट में दिखाई दे रही हैं जो वॉल पे कुछ ड्राइंग की हुई है और वो सिंगल लाइन ड्राइंग्स हैं सारी की सारी. ट्रैंगल्स यूज़ की गई हैं, सर्कल्स यूज़ किए गए हैं और रेक्टेंगल्स. द वॉल स्टेड इन द सबकॉन्शियस बिकॉज इट वॉज वेरी बिग फॉर द चाइल्ड दैट लिव्स देयर वंस but now it seems to have shrunk. The print is etched in brown color and line drawings are in white color. तो print की etching है जो वो brown color में की गई है और जो line drawings हैं वो white color में show की गई हैं. A poor faceless lady sitting on a pavilion of the wall on one side is clad in an untidy looking sari and is bare feet. तो एक poor faceless lady जो यहाँ पे जैसे आप picture में यहाँ पे देख रहे हो faceless lady pavilion of the wall पे बैठी हुई है वो एक untidy साड़ी में clad है covered है और उसके feet हैं जो वो bare हैं उनमें कुछ भी पहना नहीं हुआ.
इन द फोरग्राउंड टू लेग्स एंड अ फुट आर विजिबल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टू लेग्स और वन फुट यहाँ पे दिख रहा है फोरग्राउंड में पिक्चर के बिल्कुल फ्रंट पे, ऑफ अ मैन स्लीपिंग नियर द वॉल। तो जो ये उस मैन के हो सकते हैं जो वहाँ पे सो रहा है। द आर्टिस्ट्स कीन पावर ऑफ सीइंग द ऑर्डिनरी एंड देन ट्रांसफरिंग दैट रियलिज्म विदाउट एनी ब्यूटी और ग्लैमर ऑन टू द एचिंग्स इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये जो वर्क है एचिंग वर्क है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इमेजिनेशन को रियलिज्म तक ले जाया गया है इस ग्राफिक प्रिंट के द्वारा। शी कुड एक्सट्रैक्ट इमेंस इमोटिव एंड विजुअल डिटेल्स आउट ऑफ हर मीडियम। हर रियलिज्म फोकसेस ऑन द ह्यूमन बॉडी दैट इज एक्सपोज्ड टू द हार्शनेस ऑफ द सोसाइटी एंड द सफोकेटिंग वॉल्स ऑफ प्रेजुडाइसेस। द ऑलमोस्ट फोटोग्राफिक डिटेल्स ऑफ हर वर्क्स एक्सप्लोर द फिजिकल रियलिटी ऑफ ह्यूमंस एंड ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट दैम एज मॉर्टल फ्लैश टेक्सचर वॉल्यूम एंड फॉर्म। द कॉन्टूअर्स आर वेरी वेल डिफाइंड इन शेड्स एंड शेडो ऑफ प्रिंट्स। अनुपम सूद एक्सपोज्ड द हिडन फेस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रेजेंटेड इट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द फेमिनाइन सब्जेक्ट्स डिपिक्टिंग वुमेन्स डेप्रीवेशन एंड एक्सप्लोटेशन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ हर साइकी। तो अनुपम सूद उसने हिडन फेस सोसाइटी का हिडन फेस को प्रेजेंट किया है यहाँ पे, और उसने हमेशा ही फेमिनाइन सब्जेक्ट्स को चूज किया है अपनी आर्ट में। इन दिस केस द फेसलेस फिगर ऑफ द वुमेन रिप्रेजेंट्स हर वल्नरेबिलिटी एंड एम्प्टीनेस इन कंटिन्यूज एंडलेस टाइम। द वर्क इज थॉटफुल हॉन्टिंग एंड इनडिस्टिंक्ट विद द डीप मोनोक्रोम्स एनहांसिंग द ओवरऑल इफेक्ट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. This was all about this graphic print. और भी ऐसे educational videos के लिए channel को subscribe करें।